आकाश इंस्टीट्यूट ने नीट 2021 में चयनित छात्र छात्राओं का किया सम्मान। आकाश इंस्टीट्यूट रीवा ने आज अपने प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां नीट 2021 में चयनित होने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि आज के इस समारोह में डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी उपस्थित रहे। समारोह में 2021 नीट में रीवा टॉपर रुद्राक्षी शुक्ला और अपूर्वा तिवारी को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट रीवा के डायरेक्टर श्री विष्णुदेव तिवारी ने कहा कि नीट 2021 में संस्था के छात्र छात्राओं ने 720 में से 675 अंक लाकर रीवा में टॉप किया है, जिसका ऑल इंडिया रैंकिंग 1260 है, जो कि एक अद्भुत उपलब्धि है। आकाश इंस्टीट्यूट में परीक्षाओं की तैयारी पर प्रकाश डालते हुए विष्णुदेव तिवारी ने बताया कि समायोजित तैयारी, उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा शिक्षण एवं मोटिवेशन के द्वारा आकाश इंस्टीट्यूट में तैयारियां कराई जा रही हैं, वह निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाली होती हैं। सम्मान समारोह में आकाश इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक, छात्र, रीवा ब्रांच मैनेजर कीर्ति सिंह चंदेल, सेंटर हेड दिनेश दीक्षित एवं ढेर सारी संख्या में पालक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है चयनित छात्राओं सहित आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णु तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। रुद्राक्षी जी, शुक्ला जी, आपने आकाश ही इंस्टीट्यूट क्यों चुना? आकाश का फीडबैक हमारे सीनियर्स ने अच्छा दिया था, तो मेरे पेरेंट्स ने इस यहाँ के बारे में पता किया और रिजल्ट्स अच्छे सुनने पर यहाँ का हमने चूज़ किया। आप डेली कितने घंटे पढ़ती थी? मैं कोचिंग के बाद 2 से 3 घंटे पढ़ती थी। रेगुलर जैसे आपका 24 घंटे में सुबह आपको 12वीं की भी तैयारी करना रहता था और फिर नीट की भी तैयारी करना, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ प्रॉब्लम आती थी? दोनों का सिलेबस सेम ही है, तो फिर इसलिए कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई उसमें। आपने जब कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग के बाद में आपने जब आकाश में किया, तो आपको कौन कौन से सर का आपका मार्गदर्शन सबसे अच्छा रहा? सबसे अच्छा गाइडेंस विष्णु सर का रहा, जो हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं, और दीक्षित सर का रहा फिजिक्स में बहुत अच्छा गाइडेंस, और दरोगा गुप्ता सर ने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कराया था। जैसे आपको 675 रैंकिंग आई है, इतनी आने वाले समय में MBBS के बाद आपकी भविष्य की क्या तैयारी है? अभी तो मैंने ऐसे कुछ खास नहीं सोचा है, पर मुझे रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं उस फील्ड में जाने की कोशिश करूँगा। अपूर्वा जी, आपने आकाश को ही क्यों चुना और बहुत सी शहर में कोचिंग है, इसके बारे में क्या कहना? बाकी सारे कोचिंग्स में सारे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आकाश में सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेस में मिल जाते हैं, अगर यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। और आकाश का रिव्यू बहुत अच्छा है और वो मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, और हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत हो जाती है उस पैटर्न में जिसमें एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, तो उससे हमारा माइंड भी ट्रेन हो जाता है उस सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के। हाँ, मैंने 11th से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन तब मैंने आकाश की कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। फिर आकाश की कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट। आपने 12th कहाँ से पास किया? 12th मैंने MP बोर्ड से पास किया था, BBS। जिस तरह आपका इतना अच्छा रैंक आया है और MBBS में अब आपका सिलेक्शन भी हो गया है, और आप जिस तरह आप लोगों ने तैयारी करके आने वाले समय में MBBS के बाद क्या चाहती हैं आप? MBBS के बाद तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना तो मतलब नेसेसरी होता है, और उसके बाद फिर जो भी हायर डिग्री होती है तब तक मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। विष्णुदेव तिवारी जी, आकाश का रीवा में सेंटर है, जैसे आपने बताया बनारस है, अन्य शहरों में 6 सेंटर हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, आकाश वेल नोन है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। रीवा सेंटर हमने गत वर्ष स्टार्ट किया था, और जस्ट उसके ठीक बाद लॉकडाउन हो गया, तो 1 साल का सेशन बहुत अच्छा समय नहीं मिल पाया। फिर भी जिन बच्चों ने हमें पर भरोसा किया, स्टार्ट हुआ, इस बार हमने उसमें से बेहतरीन रिजल्ट दिया है। रीवा की बच्ची रुद्राक्षी शुक्ला के 685 मार्क्स 720 में और रीवा टॉपर होना, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट और प्रूफ करता है। इस बार हम लोग सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं,
चूँकि आकाश पूरे देश में इस बार अल्टीमेट है, बायजू के कोलेब्रेशन के बाद भी टॉप लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी मेडिकल के 720 में 720 नंबर तीन बच्चों के आना, तीनों आकाशयन होना, ये अपने आप में प्रूफ करता है। और आने वाले समय में भी रीवा से हम बेहतरीन रिजल्ट देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। इम्प्रूव करना चाहते हैं? देखिए, रीवा एक बड़ा पौराणिक पुराना शहर है और कहीं भी टैलेंट हर जगह बिखरा होता है। हमें जो भी बच्चे का मैक्सिमम आउटपुट है, जो उसका पोटेंशियल है, उसको इम्प्रूव करना और जो रैंक उसको डिजर्व्स करे वो अचीव करे, ये प्रयास होता है सभी टीचर्स का, सिस्टम का, आकाश का। यही प्लानिंग और विज़न है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे आईआईटी और मेडिकल में, नीट में बेहतरीन परफॉर्म करके एम्स में सिलेक्शन ले सकें। तो इसी कमिटमेंट को लेकर हम लोग वर्क कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट है।